गुड मॉर्निंग मैम। ये हमारा कोर्स तो कंप्लीट हो गया, अब क्या पढ़ना है बताओ? रिविजन भी हो गया, नाउ आज क्या पढ़ेंगे? तो एक काम करते हैं, मैंने आप लोगों को एक बार बहुत पहले बताया था कि जो एब्डोमेन है उसको 9 रीजन में डिवाइड किया जाता है। एब्डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट एंड 9 रीजन, है ना, याद है? तो आज हम यही देख लेते हैं कि जो हमारा एब्डोमेन है वो कौन से 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है एंड रीजन्स में डिवाइडेड है। ठीक है, रीजन कितने हैं? एब्डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 9 रीजन एंड क्वाड्रेंट कितने हैं? 4 क्वाड्रेंट्स। ओके, विजिबल है आपको? स्लाइड विजिबल हो रही है? पिक्चर विजिबल है? आई मीन यस मैम। ओके, तो यहाँ इस पिक्चर में अच्छे से देखो, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है हमारे एब्डोमिनल रीजन को। जैसे अगर आपको ये रीजन, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप लोग एसेस करोगे ना, प्रैक्टिकल के पर्पज से ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एसेसमेंट करते हो पेशेंट की, तो कहाँ पेन हो रहा है उसके बेसिस में भी पता चलता है कि हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हो सकता है इस ऑर्गन में प्रॉब्लम हो और इस वजह से पेशेंट को पेन हो रहा हो। ओके, so if you will see, the abdomen is divided into 4 quadrant, which is right upper quadrant, left upper quadrant, right lower quadrant and left lower quadrant. ये 4 quadrant है जिसमें कि हमारा abdomen divided रहता है। ठीक है, तो जो first right upper quadrant है, यहाँ से start करते हैं, right upper quadrant से। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? लिवर राइट अपर क्वाड्रेंट में, पिक्चर में देखते रहना, लिवर हो गया, स्टमक, गॉल ब्लैडर, जियोडिनम, राइट किडनी, पैनक्रियास, ट्रांसवर्स कॉलन एंड राइट एड्रेनल ग्लैंड। ये रीजंस हैं and some portions of small intestine also. ठीक है, कुछ portions small intestine के भी right upper quadrant में आते हैं। तो ये सारे organs कहाँ जा रहे हैं? Right upper quadrant में। Now we will move to left upper quadrant. इसमें देखिए क्या क्या आ रहा है। Liver है, fine. Second is left adrenal gland. Third is stomach. कुछ पोर्शन स्टमक का यहाँ पे भी, मतलब मैक्सिमम जो पोर्शन है वो लेफ्ट साइड में होता है हमारा स्टमक। ठीक है, तो स्टमक, देन कम्स द लेफ्ट किडनी, देन पेनक्रियास, देन पेनक्रियास का टेल आता है इस तरफ। ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो पेनक्रियास, देन कम्स द स्प्लीन, कंप्लीट स्प्लीन इधर ही आएगा, स्प्लीन एक छोटा सा ऑर्गन है और पैनक्रियास के टेल साइड में लाई करता है, अगर याद हो तो। स्प्लीन, देन कम्स द ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, देन कम्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन के वो भी आता है। सो दिस कम्स अंडर द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पोर्शन। नाउ वी विल मूव टू द राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट। अब इसमें क्या क्या आता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में? लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, कीकम, जो मतलब जहां से आप बोलोगे लार्ज इंटेस्टाइन का
स्टार्टिंग पोर्शन होता है ना, मतलब जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन मर्ज होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, और वहां पे एक राउंड शेप टाइप का बनता है, दैट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज कीकप. तो वो भी आता है यहाँ पे. तो उसी जगह पे क्या लाई करता है? अपेंडिक्स लाई करता है. ठीक है, तो अपेंडिक्स, देन कम्स द राइट यूरेटर. किडनी से दो यूरेटर निकलते हैं ना, दो पाइप निकलते हैं जो कि फिल्टर्ड यूरिन को कैरी करके कहाँ पहुँचते हैं? ब्लैडर में पहुँचते. तो जो राइट साइड का यूरेटर होता है वो प्रेजेंट होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में. ठीक है, देन कम्स द राइट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. जैसे कौन कौन सा आ गया? ओवरी हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, और मेल्स में आ गया स्पर्मेटिक कॉर्ड. तो ये आ गया फीमेल्स में आ गया ओवरी, फेलोपियन ट्यूब एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड इन मेल्स. तो ये डिवाइड हो गया आपका राइट साइड ऑफ लोअर क्वाड्रेंट. इतने सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं राइट साइड ऑफ लोअर क्वाड्रेंट में. नाउ वी विल मूव टू द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट. लेफ्ट साइड के लोअर क्वाड्रेंट में हमारा कितने ऑर्गन्स आते हैं? कम्स द फर्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन. राइट यूरेटर उधर था, तो राइट लेफ्ट यूरेटर लेफ्ट साइड में है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में. लेफ्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सारे आएंगे सेम. कौन कौन सा आएगा? फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरी इन फीमेल एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड्स इन मेल. सिग्मोइड कॉलन. सिग्मोइड कॉलन मतलब जहां पे कोलन खत्म होने लगता है जिस पोर्शन पे, ठीक है, वो कहाँ पे आता है? अगेन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में आता है. और जो ये हम क्वाड्रेंट है इसको डिवाइड कर रहे हैं उसके लिए हम एस्टिमेट कौन सा रखते हैं, मार्जिन कौन सा होता है? जो हमारा अम्बेलिकल कॉर्ड होता है, अम्बेलिकल कॉर्ड है उससे हम डिवाइड करते हैं. अम्बेलिकल कॉर्ड से ट्रांसवर्सली डिवाइड करो, बीचों बीच डिवाइड करो, तो क्या होगा? जो ऊपर वाला रीजन है वो अपर क्वाड्रेंट हो गया, नीचे वाला रीजन क्या हो गया? लोअर क्वाड्रेंट हो गया. अब उसको वर्टिकली भी डिवाइड करो, वर्टिकली भी कट करो, ठीक है, एक्सिस लाइन से बीचों बीच भी कट करो, तो क्या हो जाएगा? राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट. तो ऐसे करके अम्बेलिकल कॉर्ड के मार्जिन में हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं हमारे एब्डोमेन रीजन को या फिर पेशेंट के एब्डोमेन रीजन को फोर क्वाड्रेंट्स में. क्लियर है? ये क्वाड्रेंट समझ में आ गया? यस मैम. हाँ, तो आपको बेसिक. यस मैम. जैसे अब आगे आप लोग डिजीज कंडीशन पढ़ोगे तो आप अप्लाई करना सीख जाओगे, बट अभी जो अभी आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये चारों क्वाड्रेंट्स आपको पता होने चाहिए. बहुत ईजी है, बट इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं ये पता होना चाहिए. ठीक है, उस समय जब आप एसेस करोगे ना, अगर आपको पता है, अगर पेशेंट आया है और बोल रहा है से द पेशेंट इज कंप्लेनिंग कि उसके राइट साइड में राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है और दैट पेन इज काइंड ऑफ रेडिएटिंग पेन, हल्का हल्का रेडिएट कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या कौन कौन सारा एब्डोमेन पकड़ के थोड़ी बैठ जाओगे, तो आप क्या करोगे? वो बता रहा है, उसने नहीं बताया, वो तो ये नहीं बता सकता ना कि राइट अपर क्वाड्रेंट में, वो सिर्फ पोजीशन बताएगा आपको कि यहाँ दर्द हो रहा है ना. पेशेंट तो यही बताएगा कि यहाँ पे दर्द हो रहा है सर या मैम, यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है. तो आप क्या कर सकते हो, आपको ये पता चल गया कि से जहाँ उसने जो पोजीशन उसने लोकेट करी है वो है राइट अपर क्वाड्रेंट है, ठीक है. तो अब आपके पास अगर आपको पता है कि यहाँ कौन कौन से ऑर्गन लाई करते हैं, तो देखो अब तुम्हारे दिमाग में एक इमेजिनेशन आ जाता है कि कौन कौन सी जगह प्रॉब्लम हो सकता है. या तो फिर इसके लिवर में प्रॉब्लम है, या फिर स्टमक में प्रॉब्लम है ना, देन या फिर गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, यूरिना में प्रॉब्लम है, हो सकता है राइट किडनी में है, बट राइट किडनी में होगा तो आगे पेट में नहीं बोलेगा, पीछे बोलेगा, वो हटा दो, है ना. किडनी का फ्लैंक पेन होता है. किडनी का पेन कहाँ होता है? जो साइड में होता है ना, मतलब साइड की तरफ पीछे साइड में दर्द होता है, फ्लैंक पेन बोलते हैं उसको, FLANK पेन.
तो तुम्हारे दिमाग में सेग्रीगेट होने लग गया, पैनक्रियाज में हो सकता है, कोलन में हो सकता है, ट्रांसवर्स कोलन में। तो अब आपके पास इतने ऑप्शन है, पूरा स्टमक का पूरा रीजन से बेटर तो क्या है, एक ऑप्शन आ गया। अब आप उसका एज देखोगे, एज क्या है और उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से आप ये कर सकते हो। जैसे बहुत ज़्यादा वीक है या ओबीस पेशेंट है तो हो सकता है लीवर में भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। बट अगर नॉर्मल लग रहा है आपको, एक यंग से 20, 25, 28 तक के एज का लड़का है, ठीक है, और वो बता रहा है कि यहाँ पेन है, तो चांसेस क्या हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, एज, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं ना। तो आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है, और फर्दर असेसमेंट करके भी आपको लिखने के लिए भी इजी है, कि आप जब रिपोर्ट बनाओगे तो आप रिपोर्ट में लिख सकते हो कि राइट अपर क्वाड्रेंट पेन कंप्लेन बाय द पेशेंट एंड सस्पेक्टेड कहाँ पे हो सकता है, गॉल ब्लैडर या फिर रेडिएटिंग पेन, दिस इज फॉर यू, ठीक है। तो ये चार क्वाड्रेंट अच्छे से याद कर लेना, चारों क्वाड्रेंट का मार्जिन क्या होता है, कहाँ से हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, अम्बेलिकल कॉर्ड से, ठीक है, अम्बेलिकल कॉर्ड से हम अपना इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं पेशेंट का, ट्रांसवर्स और वर्टिकल दोनों, ठीक है, ट्रांसवर्स भी करते हैं और वर्टिकली भी करते हैं। सो दिस वॉज अबाउट दी फोर क्वाड्रेंट्स ऑफ एब्डोमेन। नाउ अब हम मूव करेंगे नाइन रीजन ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन को फोर क्वाड्रेंट के बाद डिवाइड किया जाता है नाइन रीजन में, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। स्क्रीन विजिबल है ना क्लियरली? यस मैम। ठीक है, तो अब इस पिक्चर में देखो आप लोग, अब आप इसमें क्या दिख रहा है, सेम वही डायग्राम है, बट इसमें क्या हो गया कि नाइन पोर्शन में डिवाइड कर दिया है ना। अब नाइन पोर्शन के हिसाब से अब आपको ये समझना है कि फर्स्ट तो हम ये देखेंगे कि कौन से पोर्शन का क्या नाम है, ठीक है। सो सबसे पहले ऊपर में तीन रीजन है, इसको नाइन में डिवाइड करने के बाद आप ऊपर में देखो तीन रीजन है, जो मिडल है, मिडल वाले में चले जाओ, मिडल में सबसे ऊपर क्या है, मिडल में हो गया अम्बेलिकल कॉर्ड, ठीक है, मिडल में बीच में क्या है, अम्बेलिकल कॉर्ड, उसके ऊपर है एपिगैस्ट्रिक रीजन, नीचे है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। अम्बेलिकल कॉर्ड, एपी मतलब ऊपर, हाइपो मीन्स नीचे, तो एपिगैस्ट्रिक रीजन की समझ गए, एपिगैस्ट्रिक रीजन मतलब ऊपर, गैस्ट्रिक रीजन के ऊपर वाला साइट है, और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन मतलब गैस्ट्रिक रीजन में जो नीचे वाला साइट आता है, दिस इज, ये एकदम बीच बीच की लाइन में देखना। तो बीच में हो गया अम्बेलिकल कॉर्ड, सॉरी अम्बेलिकल रीजन, देन कम्स दी ऊपर वाला पोर्शन कहा जाता है एपिगैस्ट्रिक रीजन, और नीचे वाला कहा जाता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। अब हम ऊपर वाले सेगमेंट में चले जाएंगे, एपिगैस्ट्रिक रीजन के साइड बाई साइड देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट सी एट द राइट साइड, राइट साइड को क्या कहा जाता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से रीजन आते हैं, राइट साइड में राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन आ गया, लेफ्ट साइड में क्या आ गया, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन के दोनों टाइप साइड में देखो, है ना, राइट साइड में राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट साइड में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये रीजन, ये दोनों हो गए, समझ में आ गया। इसके बाद में लास्ट में हम देखेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स है, फिर हम अम्बेलिकल रीजन में वापस आते हैं। अब अम्बेलिकल रीजन के आगे पीछे देखो, नॉट आगे पीछे, साइड बाय साइड, ओके, राइट एंड लेफ्ट साइड में देखो, तो अम्बेलिकल रीजन के पीछे कौन सा रीजन आता है, जैसे जहाँ पे नाभि होती है उसके पीछे बैक में जाते कौन सा वर्टिब्रा आता है, लंबर वर्टिब्रा आता है, ठीक है। तो इसको राइट एंड लेफ्ट लंबर के बेसिस में डिवाइड कर दिया, राइट लंबर रीजन एंड लेफ्ट लंबर रीजन, क्लियर है, राइट लंबर रीजन एंड लेफ्ट लंबर रीजन। क्यों क्यों रखा गया लंबर नाम इसका, क्योंकि क्या होता है,
अम्बेलिकल रीजन के जस्ट पीछे बैक में क्या आता है, लंबर वर्टिब्रा आता है। अब इसके नीचे आ जाओ, अम्बेलिकल रीजन के नीचे आ जाओ, तो कौन सा रीजन आ रहा है, दैट इज हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, जो हमारा गैस्ट्रिक रीजन है उसका बिलो पार्ट, नीचे वाला पार्ट, ठीक है। अब हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के राइट एंड लेफ्ट साइड में देखो तो क्या नाम रखा है, क्या नाम रखा है, राइट इलियक और लेफ्ट इलियक रीजन। राइट इलियक एंड लेफ्ट इलियक रीजन। अब ये राइट इलियक और लेफ्ट इलियक रीजन किसके बेसिस में नाम रखा गया है, जो हमारा क्यूबिक बोन है, क्यूबिक बोन में जो इलियक बोन होता है, जो सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर कौन सा बोन होता है क्यूबिक बोन में, इलियक बोन। तो इलियक बोन के बेसिस में इन दो रीजन को डिवाइड कर दिया, दैट इज राइट एंड लेफ्ट। ओके, तो राइट साइड में हो गया राइट इलियक रीजन, लेफ्ट साइड में हो गया लेफ्ट इलियक रीजन। नेक्स्ट वी विल सी कि कौन कौन से ऑर्गन्स इन सारे रीजन में लाइक करते हैं, ठीक है, कौन कौन से रीजन इन सारे यहाँ पे, मतलब जो रीजन है उसमें लाइक करते हैं, तो कौन कौन सा आ गया, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में देखो कौन कौन सा आ रहा है, लिवर, राइट किडनी, गॉल ब्लैडर, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इतना पोर्शन आ गया। नेक्स्ट कम्स द बीच के रीजन में आ जाओ, एपिगैस्ट्रिक रीजन, वहां पे कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है हमारे एब्डोमेन का, कौन कौन सा पोर्शन है, लिवर, स्टमक, स्प्लीन, ड्यूओडेनम, एड्रेनल, एड्रेनल ग्लैंड एंड पेनक्रियास, ये सारे रीजन आ रहे हैं। इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन क्या आता है, लिवर टिप्स, लिवर का टिप पोर्शन आता है, मतलब नीचे का जो लास्ट पोर्शन जो बचता है लिवर का, वो वाला रीजन आता है। ओके, देन कम्स दिस स्टमक, पेनक्रियास, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये मतलब ये सारी चीजें आपको पहले तो ये रीजन को समझना है, उसके बाद ये सारे ऑर्गन्स आपको याद करने हैं। ऑर्गन तो आपको पता है ऑलरेडी, एक एक ऑर्गन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, पर आपको ये याद करना है कि कौन सा ऑर्गन कौन से रीजन में लाई करता है। पहले तो आप क्वाड्रेंट के बेसिस में याद करोगे, फिर आप याद करोगे रीजन के बेसिस में, ठीक है। यस मैम। अब हम जाते हैं अम्बेलिकल रीजन में, अम्बेलिकल रीजन में कौन कौन सा पोर्शन आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, फर्स्ट इज ड्यूओडेनम, सेकेंड कम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रांसवर्स कॉलन, ये सारे रीजन अम्बेलिकल रीजन में आ जा रहे हैं, ये सारे पोर्शन पार्ट अम्बेलिकल रीजन में आ रहे हैं। नेक्स्ट राइट साइड में चले जाएंगे, राइट लंबर रीजन में क्या आ रहा है, असेंडिंग कॉलन, कॉलन मतलब असेंडिंग कॉलन मतलब जो कॉलन नीचे को आ रहा है, नहीं सॉरी ऊपर को जा रहा है, सॉरी असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा होना ना, तो नीचे से ऊपर को जा रहा है जो, तो दैट इज असेंडिंग कॉलन, ठीक है। और बीच में जो अम्बेलिकल रीजन था, फिर से वापस आ जाओ, उसमें क्या था, ट्रांसवर्स कॉलन, मतलब ट्रांसवर्स कॉलन मतलब ट्रांसवर्स, जो कॉलन ट्रांसवर्सली मूव कर रहा है, राइट। तो राइट लंबर रीजन में क्या आ गया, असेंडिंग कॉलन आ गया, देन आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आएगा राइट किडनी, राइट किडनी, ठीक है।
अब हम मूव करेंगे लेफ्ट लंबर रीजन में. इसमें आता है डिसेंडिंग कॉलन, कि कॉलन अब नीचे को आ रहा है, नीचे को मुड़ रहा है बॉडी में, दैट इज डिसेंडिंग कॉलन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लेफ्ट कॉलन. ठीक है, लास्ट सेगमेंट में आ जाओ, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन. हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में क्या क्या आता है? लेडर, सिग्मोइड कॉलन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सारे आते हैं. राइट इलियक रीजन में क्या क्या आएगा? अपेंडिक्स, केकम, नेक्स्ट असेंडिंग कॉलन, यहाँ से स्टार्ट होता है मतलब, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लेफ्ट इलियक रीजन में क्या आ रहा है? सिग्मोइड कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, अब ये मुझे बताओ कि जो मैंने सारे इसका सारे जो रीजन है उसके तो वर्ड्स के मतलब बता दिए आप लोगों को, कि राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन. आप लोगों ने किसी ने नहीं पूछा, मैंने राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जो बताया वो किसी ने नहीं पूछा कि क्यों मैम इसका नाम राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है और या फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है. बताओ, आता है? पूछा क्यों नहीं जब आता नहीं है तो? देखो, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, अब राइट और लेफ्ट हटा दो. हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन का मतलब होता है, कॉन्ड्रिक रीजन मतलब होता है, पहले तो कॉन्ड्रिक में आ जाओ. कॉन्ड्रिक मतलब होता है कार्टिलेज. ठीक है, कार्टिलेज जो यहाँ पे जो चेस्ट में जितने भी बोन्स के जो कार्टिलेज होते हैं ना, उसको बोला जाता है कॉन्ड्रिक. हाइपोकॉन्ड्रिक मतलब क्या हो गया? जो हमारे ब्रेस्ट बोन है, चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन बोल सकते हो आप, उसके नीचे का रीजन. हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन मींस जो ब्रेस्ट बोन है उसके नीचे का रीजन. ठीक है, तो ये राइट साइड में है तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन हो गया और लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन हो गया. ठीक है, क्लियर है इतना? Yes, ma'am. अभी जितना मैंने इसमें बताया उसमें कोई डाउट तो नहीं है? कोई किसी को डाउट? सुनो मैम, देखो ये जो पोर्शन हमने आज पढ़ा है ना, ये आपके क्लिनिकल पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब आप क्लिनिकल एरिया में जाओगे तो उस टाइम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली असेसमेंट के टाइम में. ठीक है, देखो असेसमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम नर्सेस अपने नर्सिंग रिपोर्ट के लिए करती है. ठीक है, जो हमारा नर्सिंग असेसमेंट असेसमेंट वाला कॉलम होता है उसके लिए सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हम करते हैं, जो कि डायग्नोसिस के लिए, नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट पेशेंट के जो पेशेंट का एक्चुअल डायग्नोसिस होता है वो कौन प्रिपेयर करता है? डॉक्टर ही प्रिपेयर करता है. ठीक है, यहाँ अगर आप इंडिया में हो तो आपको इतना ये जो हम असेसमेंट है इस सब का नॉलेज होने का इतना वैल्यू लग सकता है कि ज़रूरी नहीं है, ये तो नहीं होने से भी चलेगा. बट अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाते हो और कुछ टाइम में, नॉट आउट ऑफ कंट्री ओनली, अगर आप यहीं इंडिया में भी और कुछ टाइम में अगर हेल्थ केयर सिस्टम इस टाइम के बाद अगर हमारे लोगों में भी अवेयरनेस आया और गवर्नमेंट को भी ये स्ट्राइक हुआ कि हेल्थ केयर सिस्टम को बेटर करने की ज़रूरत है, तो नर्सिंग का लेवल इंक्रीज होना भी ज़रूरी है, राइट? तो ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि हम क्लिनिकल एरिया में होते हैं,
डॉक्टर्स कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है, अगर असेसमेंट चल रहा है पेशेंट का, ठीक है, आपने अपनी तरफ से असेसमेंट कर लिया, नर्सिंग असेसमेंट कर लिया, वो आपके नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग केयर प्लान इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। बट जो डॉक्टर्स असेसमेंट कर रहे हैं उस समय आप कोई ना कोई नर्स जरूर होती है साथ में, ठीक है, असाइन नर्स होगी या टीम नर्स होगी, टीम लीडर नर्स होगी, टीएल होगी, कोई तो हो गई। तो कई बार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि अच्छा यहाँ पेन हो रहा है, बताओ यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, और आप यकीन नहीं मानोगे इतने एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं ना वो भी जवाब नहीं दे पाते। इसीलिए नर्सिंग का नाम खराब हो जाता है कि नर्सिंग में तो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, जबकि आप खुद देख रहे हो, तुम लोग खुद फेस करो कितना बड़ा वास्ट सिलेबस है, कितना पढ़ते हो तुम लोग, है ना। मतलब अगर पढ़ना पढ़ो तो नॉट फॉर, मतलब आप सारा पढ़ लेते हो बोलने का नहीं, बट पढ़ने के लिए जो दिया हुआ आपको सिलेबस अलॉटेड है वो कितना वास्ट सिलेबस है। तो पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो बहुत वास्ट है ना सिलेबस, तो बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, जो बेसिक, ये तो सबसे बेसिक, और ये बेसिक बेसिक चीजें ही पता नहीं होती है बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे, मतलब मैं बता रही हूँ आपको 85% लोगों को पता नहीं होती है, 85%, ठीक है। तो जरूरी है कि ये सब तुम लोग, ये जो एब्डोमिनल असेसमेंट के टाइम में जो होता है ना ये असेसमेंट, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का असेसमेंट हो गया आपका, मतलब आपको पता है कि आप कहीं पे पेन हो रहा है, तो आप ये कर, अगर ये याद है आपको, फोर क्वाड्रेंट्स याद है और 9 reasons ऑफ एब्डोमिन पता है, तो आप ये बता सकते हो कि आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि हो सकता है इस रीजन में या इस ऑर्गन में पेशेंट के प्रॉब्लम हो, ठीक है। अगर कोई और, तो अभी के लिए तो आज के लिए इतना हो गया, अगर किसी और यूनिट में तुम लोगों को कोई डाउट है या फिर कहीं पे और डाउट है, जो मैंने 3 units पढ़ा लिए उसमें, या कहीं और भी कोई डाउट है तो तुम लोग मुझे बता सकते हो, मैं वो क्लास ले लूँ, क्योंकि देखो क्लासेस तो मेरी लग रही हैं, ठीक है, क्लासेस हैं, तो मुझे कुछ तो पढ़ाना ही है आप लोगों को। अगर आपको रिविजन चाहिए किसी टॉपिक में, किसी भी स्टूडेंट को, तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को वो क्लास में या नेक्स्ट क्लास में, आप पहले मुझे बता दोगे तो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, है ना, मैं अच्छे प्रिपरेशन के साथ में आप लोगों को बता सकती हूँ कि इजीली और इजी टर्म्स में बता पाऊँगी। तो अगर आप लोग मुझे पहले से बता दो दैट इज़ वेल एंड गुड, फिर अगर ऐसा होता है कि नहीं उसी समय बता दें तो कोई बात नहीं, उस समय भी कर सकते हो, बट प्लीज़ स्टडी, क्योंकि पढ़ोगे तभी डाउट्स आएंगे, आप लोग पढ़ते नहीं हो, क्योंकि डाउट नहीं आने का एक ही मतलब होता है कि पढ़ते नहीं हो तभी डाउट्स नहीं आ रहे, पढ़ोगे तो डाउट्स ज़रूर आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा पढ़े, चाहे वो यूनिवर्सिटी टॉपर भी हो ना, अगर वो पढ़ रहा है तो उसे डाउट्स आएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि इंसान को डाउट आता है। इवन अभी मैंने MSc करके, मैंने BSc कब कंप्लीट किया, 2015 में कंप्लीट किया था, 2011 में एडमिशन लिया था BSc में, 15 में कंप्लीट किया था, 3 years आई हैव वर्क, ठीक है, आफ्टर BSc आई हैव वर्क 3 years, देन आई हैव टेकन एडमिशन इन दिस मास्टर्स प्रोग्राम, 2 साल का मास्टर प्रोग्राम करने के बाद अभी भी, जब मैं पढ़ने के, पढ़ाने के, जॉब करने के बाद भी, अभी भी कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि क्या है इसका मतलब, क्या है ये, क्या है, आई हैव टू क्लियर इट आउट। तो फिर आप लोगों को तो डाउट्स होने ही चाहिए, जो कि होते नहीं है, इसका मतलब है कि पढ़ते नहीं हो, इसलिए पढ़ना स्टार्ट करो, तो डाउट्स भी आएंगे, तो टॉपिक्स भी निकलेंगे कि क्या आपको क्लियर करवाना है, क्या आपको समझाना है। दिस इज़ फॉर ऑल एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए, ठीक है, कोई डाउट है तो बताना मुझे, अदरवाइज दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। बताओ किसी को कोई डाउट है, या कोई टॉपिक, चलो इसमें तो कोई डाउट नहीं है बोला तुम लोगों ने, ठीक है, कोई टॉपिक ऐसा हो जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ना चाहते हो तो वो मुझे बता दो। अभी तो एग्जाम टाइम है, अभी तो पढ़ ही रहे होगे, थोड़ा बहुत तो किताब खोल ही रहे होगे। हेलो, एनीवन, चलो ठीक है देन। मुझे जैसे अभी ऐसे से कुछ कुछ, कोई आज जैसे मुझे मेरे माइंड में ये स्ट्राइक कर गया कि मैंने ये कभी कभी किसी टाइम किसी कभी बोला था कि मैं आप लोगों, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा या रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो ये एब्डोमेन के
नाइन रीजंस एंड क्वाड्रेंट्स बता दूंगी, तो ये मैंने बता दिया. अगर ऐसे मुझे कुछ और याद आया तो मैं डेली डेली, और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी होते हैं जो कि आप बीच में ऑल ऑफ ए सडन पढ़ सकते हो, जैसे उसके लिए पूरा एक यूनिट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक रिदम होने की ज़रूरत नहीं है. आप एक एक टॉपिक होता है, जैसे आज का ये टॉपिक था तो एक टॉपिक है एक क्लास में आप ले सकते. अगर ऐसा कोई टॉपिक मुझे दिखा जो कि इंटरेस्टिंग हुआ और आप लोगों के लिए बहुत आप लोगों के लिए यूजफुल है, तो मैं वो करवा दूंगी, ठीक है? अदरवाइज अगर तुम लोगों को कोई डाउट है तो वो मुझे बताना है तुम लोगों ने. ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास.